अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन आवर एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, जिसके राइटर हैं फ्रैंक एस स्कारपिटी। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट की समरी, यानी के मुख्तसर खुलासा। जिस तरह नाम से ही जाहिर हो रहा है आवर एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, तो इस लेसन में हम माहौल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे माहौल पर कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं और हमारा माहौल किस तरह से तबाह हो रहा है और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपने माहौल की जो आलूदगी है उसे कंट्रोल कर सकें। तो इस लेसन की हम शॉर्ट समरी अब पढ़ते हैं। आवर एनवायरनमेंट इज़ नाउ अ सोशल प्रॉब्लम। हमारा जो माहौल है वो एक माशरती मसला बन चुका है आजकल, विद ह्यूज इंक्रीजेस इन एयर, हवा में जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई है कि फैक्ट्रियों का गंदा धुआं उसमें छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो हवा है वो आलूदा हो रही है बहुत ज़्यादा और लोगों को सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट है वाटर एंड लैंड पोल्यूशन इन द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी। पानी की आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी तकरीबन एक तहाई सदी से जो हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। तो ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी हवा आलूदा हो रही है, हमारा पानी और हमारी जो लैंड है ये सब कुछ तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से इसके कितने बैड इम्पेक्ट पड़ रहे हैं हमारी लाइफ पर और एनिमल्स की लाइफ पर भी इसके साथ साथ। द वर्ल्ड वी नाउ लिव इन पॉजिस प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। वो दुनिया जिसमें अब हम रह रहे हैं वो क्या बर्दाश्त कर रहे हैं, पॉजिस प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ, उसमें बहुत ज़्यादा सेहत के मसले पैदा हो रहे हैं एंड वेलफेयर और फलाही कामों के भी मसले पैदा हो रहे हैं अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और जो कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बर्दाश्त कर रहा है। तो हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह से होता है, जब गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा साफ़ नहीं रहती, लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं आता और इसके अलावा हर जगह हर चीज़ जब इस तरह गंदी हो जाती है तो बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और वेलफेयर के भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ मरीज़ होते हैं पहले से ही और जो नहीं चल पाते या नहीं काम कर पाते। तो हमारा जब माहौल ही साफ़ नहीं होगा, हम दरख्त ही नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट्स जो हैं या हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी बहुत बुरा असर इस चीज़ का पड़ेगा। और इस लेसन में मज़ीद एक इकोसिस्टम की बात की गई है कि इकोसिस्टम क्या है और वो डैमेज कैसे हो रहा है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि है क्या ये इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम इन्वॉल्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसा रिश्ता है कि जो जानदार चीज़ों और उनके माहौल से, इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक़ होता है, लिविंग थिंग का और उनके माहौल से, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। एनी डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम कॉजेज सीरियस डिसास्टर्स फॉर नेचुरल लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ। किसी भी किस्म की जो इसमें डिस्टर्बनेस होती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इकोसिस्टम में, वो कॉजेज, वो क्या वजह बनते हैं, बहुत ही सीरियस तबाही लाते हैं किस चीज़ में, हमारी कुदरती लाइफ में, हमारी इंसानी ज़िंदगी में और जानवरों की ज़िंदगी में। जब हम सबसे ज़्यादा दरख्त काटने लग जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारा इकोसिस्टम इफ़ेक्ट करता है और बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे इकोसिस्टम पर। एनवायरनमेंट इश्यूज़ इन पाकिस्तान। अब हमें यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में जो हमारे माहौलियाती मसाइल्स जो हैं उनका थोड़ा सा जिक्र इस लेसन में किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, एनवायरनमेंट इश्यूज़ इन पाकिस्तान इंक्लूड डिफ्रोस्ट्रेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स मिसयूज, सॉइल इरोजन एंड डिसास्टर्स। ये वो प्रॉब्लम्स हैं इतने ज़्यादा, कौन कौन से, कि हम जंगलात को काट रहे हैं, हमारी हवाई जो है हवा आलूदा हो चुकी है, पानी की आलूदगी का मसला है, शोर की आलूदगी है, क्लाइमेट चेंज जो आबो हवा जो बदलती है उसका असर होता है, पेस्टिसाइड्स मिसयूज़, कीड़े माद अद्वियात का जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सॉइल इरोजन, जो ज़मीन की हम कटाई करते हैं, मीन ज़्यादा हम मिट्टी
نکال رہے ہیں اینڈ ڈیزاسٹرز اور جو قدرتی آفات وغیرہ ہیں یہ سب ان سب پرابلمز کا سامنا پاکستان میں ہے. تو یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں جلد سے جلد کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں پانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے, جنگلات بھی زیادہ سے زیادہ اگانے چاہیے, ہوا کی آلودگی کا, شور کی آلودگی کا, یہ سارے پرابلمز کو ہمیں جلد سے جلد کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آگے چل کے مزید پرابلمز کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس لیسن میں ہم اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اچھا, اب لیسن کے اینڈ پہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ ایسے کون سے ایکشن لینے چاہیے, ایسے کون سے سجیشنز ہوں جس کی وجہ سے یہ آلودگی جو ہے کنٹرول کی جا سکے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایکشن گروپس شوڈ بی فارمڈ ٹو انشور پیسیجز آف انوائرمنٹل لیگسلیشن, کہ ایسے جو ماحولیاتی قانون سازی کا راستہ بنانے جو ہیں لوگ, قانون سازی کی کارروائی کرنے والے گروہ تشکیل دینے چاہیے, ایسے گروپس بنانے چاہیے جو کیا کرتے ہیں ہماری ہیلپ کریں. کس چیز میں؟ کہ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز ہمارے ماحول کے خلاف ہے, اس کو ایسے کام نہیں کرنا. اس کے علاوہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے, ایکولوجی کورسز شوڈ بی گیون ایٹ مینی لیولز فار ایجوکیشن سسٹم. ایکولوجی کے جو کیسز ہیں, جس طرح سے یہ ایکولوجی مینس جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان جو تعلقات ہوتا ہے نا, اس کا مطالعہ کرانے کی کوشش کرانے چاہیے لوگوں کو, تاکہ پتہ چلے کہ جانداروں پر ان کے ماحول کا کیا کیا اثر ہوتا ہے. اس طرح کے کورسز جو ہیں ان کا مطالعہ کرانا چاہیے لوگوں کو. اس کے علاوہ جسٹ پلین واچنگ فار ونس آن گاربیج اینڈ لٹرنگ از اے بگننگ. اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے, کہ بس اپنے جو کوڑا کرکٹ ہے اور گندگی کا, مطلب سادہ سے ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے. یہ ایک آغاز ہو سکتا ہے اگر ہم خود سے اپنے گھر سے کوشش شروع کریں, اپنے گھر کو, اپنی گلی محلے کو اور اپنے اسکول کو, کالج کو, ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھیں تو یہ ایک ہماری کوشش شروع ہو سکتی ہے. یہ تھی اس لیسن کی شارٹ سمری, اور اس کی ڈیٹیل جو لیسن کی ہے وہ آپ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے.